हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास का, जिनमें बच्चों का टूरिज्म सब्जेक्ट है और मिड टर्म के एग्ज़ाम है 2024 में, और ये 50 मार्क का एग्ज़ाम होगा। उन सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टूरिज्म सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में क्या अंतर है? इसके ऊपर पर्टिकुलर आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चंस में ही पूछा जा सकता है, या पर्टिकुलर कोई दो नंबर का क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, या इसमें अंतर पूछा जा सकता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, व्यक्ति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक दृष्टिकोण के तत्वों का वर्णन करते हुए ये पुष्टि कीजिए कि ये भले ही कठिन था, आपने किन रणनीतियों का उपयोग किया। जो आपका टॉपिक है सकारात्मक दृष्टिकोण वाला बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्त कीजिए, या फिर व्यक्तित्व के लिए कितने चीज़ें इंपॉर्टेंट है सकारात्मक दृष्टिकोण, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक शिष्टाचार, बिजनेस टेलीफोनिक शिष्टाचार, टेलीफोनिक कॉल करना आदि तत्वों का वर्णन करते हुए ये तत्व व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है। ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकता है, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, पहली छाप बनाना और संवारना सकारात्मक शारीरिक भाषा, ये दोनों टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिसे आपको सिर्फ समझना ही है, इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे या फिलिंदा ब्लैंक्स आएंगे, सही गलत मार्क करने के लिए आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन का परिचय देते हुए पर्यटन क्यों महत्वपूर्ण है वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टाइम पूछा जाता है, और ये चैप्टर के बेस पे है तो ये क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। कोई भी डाउट हो बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन प्रभावों के प्रकारों पर व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय किस प्रकार एसटीडीसी और यूएनडब्ल्यूटीओ को संचालित करते हुए पर्यटन में अपनी भूमिका निभाती है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आपके छोटे छोटे समराइज क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इंडिविजुअल एक 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, पर मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे। सो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक।